हेलो गाइस, तो आज धूप काफ़ी अच्छी है कैंपस में, इरमा में. एंड आई एंड माय फ्रेंड श्रेयस, वी थॉट ऑफ गोइंग टू द पॉन्ड. हाँ, इरमा में एक पॉन्ड भी है, तो अभी चलते हैं. ये हम लोगों का ब्लॉक है, हॉस्टल ब्लॉक, बी ब्लॉक, ए ब्लॉक, जे ब्लॉक, डी ब्लॉक, सी ब्लॉक. और ये लड़का गोल गोल भाग रहा है. एंड लाओ चलो चलते हैं पॉन्ड की तरफ. इस वजह से इसमें खटखट आवाज आती है. OIS है इसमें. ये आपका रास्ता है यहाँ राइट साइड में. ये पूरा ये के ब्लॉक है, और वो दूर दिख रहा है ना, वो एल ब्लॉक है. ये सारा लड़कियों का ब्लॉक है, लड़के ज़्यादातर यहीं दिखते हैं. अपने ब्लॉक में कोई रहना पसंद नहीं करता. एंड यहाँ पे कुछ बच्चियाँ बैठ के नाश्ता कर रही हैं. हेलो, देन दैट इज एम ब्लॉक. सेम टू यू. एंड दिस इज जे ब्लॉक. ये सारे के सारे हॉस्टल्स हैं. एंड आगे चलते हैं, रास्ते में दिखाएंगे आपको कि पॉन्ड कहाँ पे है. लोटस वगैरह जैसवाल जी उगते थे इसमें थोड़े बहुत, आज देखेंगे कि उगता है कि नहीं उगता है. बाकी सांप भी काफ़ी देखने को मिला था इन सारे उसमें. सही रास्ते से चलना है ना. ये डिबेटेबल चीज़ है कि सही रास्ते से चले कि ना चले. सही रास्ते से चलते कुछ दिखा भी देंगे और इन लोगों को. तो ये आप राइट लेफ्ट साइड में जो देख रहे हो ना, ये ऑडिटोरियम है. एंड ये चाइम्स है. चाइम्स तो पता ही होगा, रास्ते में पड़ता है. आपको किसी और ब्लॉग में बताएंगे कि चाइम्स का सिग्निफिकेंस क्या है और क्यों बनाया गया था. ठीक है. एंड बाकी जो उधर ऑडिटोरियम था, ये हम लोगों का टाउ ब्लॉक है. टाउ ब्लॉक में आपको बुक्स वगैरह मिल जाएंगी, टाउ मटेरियल्स मिल जाएंगे, एग्जाम के पेपर्स वगैरह यहाँ प्रिंट होते हैं. देन आप सामने जो देख रहे हो, ये है आपका फैकल्टी ब्लॉक. मतलब ये वाली बिल्डिंग और इसके पीछे वाली बिल्डिंग भी. तो फैकल्टी ब्लॉक्स में ऑब्वियसली फैकल्टीज रहती हैं. एंड हमारे राइट हैंड साइड में जो आप देख रहे हो, तो दिस इज़ लाइब्रेरी. इसका नाम है रवि जे मथाई लाइब्रेरी. इसका उद्घाटन किया था देन प्रेसिडेंट श्री राजीव गांधी जी ने. एग्जैक्ट आई थिंक क्या डेट लिखी हुई है इस पर, डेट देखते हैं. 1986. तो ये रवि जे मथाई लाइब्रेरी है. ये स्टेयर के ऊपर की तरफ जाता है, फिर ये नीचे बेसमेंट है. बेसमेंट भी रूम्स वगैरह खाली हैं. गार्डन वगैरह, गार्डन गार्डन गार्डन. दिस वाज एस्टैब्लिश्ड बाय डॉक्टर देन प्रेसिडेंट राजीव गांधी. दैट इज़ द एकेडमिक कॉम्प्लेक्स जहाँ पे क्लासेस हैं. एंड ये है गीता आंटी का मैस. बहुत चीज़ डालती हैं हर चीज़ में, चाय में भी चीज़ डाल के देंगे ये. तो इरमा में हो तो संभल के, चीज़ की आदत पड़ जाएगी. ठीक है, आने को तो हम लोग देखो पॉन्ड अच्छे रास्ते से भी आ सकते थे, लेकिन क्योंकि पहला ब्लॉक था ये पॉन्ड वाला, तो सोचे कि जो फॉर्मल तरीके से चलना चाहिए उसी रास्ते से चलते हैं. ये आईसीड का है ऑफिस, इंक्यूबेटर फॉर सोशल एंटरप्राइज एंड एंटरप्रेन्योर्स फॉर डेवलपमेंट. इट्स काइंड ऑफ एन इंक्यूबेशन सेंटर. ये पीछे वाला हिस्सा है, ये आम का पेड़ है. ये इरमा का इकलौता आम का पेड़ है. इसके बाद हम लोग आ जाते हैं पॉन्ड पे. इसी पॉन्ड के बारे में मैं बात कर रहा था, इधर मंजन कर रहा है, उसको आप इग्नोर करिएगा. इस पॉन्ड का नाम क्या है, दैट आई डोंट नो, बट अभी तो काफ़ी कम लोटस है यहाँ पे. ठीक है, ये दिस इज द पॉन्ड ऑफ इरमा. दिस यूज टू बी फिल्ड विथ लोटसेस एंड यू कैन इवन फाइंड, एंड आई जस्ट फाउंड देयर इज अ किंगफिशर सिटिंग राइट देयर, इट जस्ट फ्लू अवे. सो यू कैन फाइंड अ नंबर ऑफ सी क्रीचर्स ऑल्सो, लाइक टर्टल्स आर प्रेजेंट हियर. A few snakes are here.
Then a number of, I think, a thousand and thousands of fishes are also swimming in this small pond. Then frogs are there, tadpoles are there. So there are numerous number of sea creatures that live out here. Mostly they're amphibians, but yeah, a few number of fishes are also there. It used to be filled with lotuses, but due to severe storm and extreme winds and other extreme weather conditions, most of the lotuses just got damaged. And it's not that lotuses are not here, but a number of them got submerged underwater due to strong wind that used to blow, I think, of 1 or 2 weeks back. So that is the case that the pond is severely damaged now. Only a few lotuses are present. That's Shreyash. Shreyash, tell us something about lotus. So, lotus, as you know, is the state symbol of India. Because lotus is in power, we must respect lotus. Also, lotus's leaf has a very special property that it resists water. It has a wax-like coating on its leaf. That's about lotus. Usually in a week, twice or thrice a week, Shreyash plucks a lotus and keeps it in his room. I think it's also a symbol of prosperity for Saraswati Ma, as far as Saraswati Ma is concerned. So that was pretty much it for the pond of Irma. It's a man-made pond, and the kingfisher is again back. Yeah, it's sitting right there, if you guys can see. There's a kingfisher waiting for some fishes. I hope that she does get a few from this pond. So that's pretty much it for this pond, and we'll let you know about the history of this pond and the significance of this pond. Apart from that, the significance of other buildings and infrastructure that is present on the campus of Irma. Till then, stay tuned with us and we'll see you in the next video. Thank you, bye-bye, and I love you all.